दोस्तों अगर आपको झट से बहुत कुछ सीखना है तो टी आर एस क्लिप्स हिंदी के चैनल पे आपका स्वागत है कपाल भाती नाम का एक प्राणायाम होता है जो आई थिंक इट ट्रांसलेट टू स्कल पॉलिशर इंग्लिश में गलत है ये कि सही कपाल forehead, ये इसको कपाल कहते हैं फेस चेहरा भाती बिज शाइडिंग क्लीनिंग रिमूविंग आपके चेहरे को साफ कर देता है और शाइन कर देता है शाइन मतलब क्या ग्लो ग्लो ओके राइट राइट हम सिखा सकते हैं लोगों को पॉडकास्ट के तो कैसे not? अभी बता देती हूँ okay. कि मतलब आप बेसिकली आपको स्पाइन स्ट्रेट रखनी है देखिए कपाल भाती ये प्राणायाम नहीं है इट इज अ हाइजीनिक टेक्निक इट इज हाइजीन कि आपके शरीर के साइनसिस ये टॉक्सिन्स को आपको हटाना है ओके okay. क्योंकि वो हमेशा अफेक्ट करते हैं आप पोल्यूशन में रहते हो आप क्या क्या सिर ठड्डा हो गया साइनस इज इरिटेट हो गए आप रोए साइनस इज इरिटेट हो गए इमोशनल बांध के रखा साइनस इज इरिटेट तो वो हो होता ही वेदर चेंज हुआ साइनस इज इरिटेट हो गए तो ये पूरा ये जो एरिया है हमारा फेस जिसको कपाल कहते हैं उसको क्लीन करना दिन में दो तीन बार जरूरी है दो तीन बार जरूरी या जब भी लगे कुछ गलत गया नाक में उसको क्लीन करना जरूरी अब कपाल भाती दो स्टेज में होती है फर्स्ट इज ओनली दिस ओनली दिस एरिया नीड्स टू बी एक्टिवेटेड फेस फेस और ये जिसको कहते हैं कि थ्रोट एरिया जी क्योंकि आप सांस लोगे छोड़ोगे तो मैं बताती हूं कि आपको यहां करना क्या है पहले एक लंबा सांस अंदर लेना पहले तो दो तीन बार सांस ले लो जिससे यू बिकम फोकस ब्रीद इन ब्रीद आउट ब्रीद इन ब्रीद आउट अब माइंड फोकस हो गया अब आप सांस अंदर लो एंड देन रब एयर थ्रू योर नॉस्टिल्स यू हैव बोथ द नॉस्टिल्स राइट एंड लेफ्ट वॉट एर माई डूइंग माई लिप्स आर क्लोज माई टग इज टक ऑन द पैलेट आई एम जस्ट यूजिंग नो स्टमक मसल्स मसल कपालती जाएगी पहले लोगों में ये जो वो हो गया है ना थोड़ा क्योंकि कोई चीज बहुत पॉपुलर हो जाती है आदमी वो करने लगता है मगर वो साइंटिफिक ढंग से जब समझता है तो बात अलग होती है तो ये कपाल और उसको क्लीन करने में क्या हो रहा है यू आर नॉट टेकिंग अ लॉन्ग ब्रेथ एयर डजेंट गो टू योर लंग्स इट इज ओनली क्लीनिंग इिगेशन क्लीनिंग योर साइनसिस विच आर होलोटीज तीन सेट साइनसिस है एक यहाँ यहाँ और यहाँ ये यह तीनों हॉलो कैटी जिसमें म्यूकस भरा रहता है इट इज गुड मगर एकदम टाइट हो जाए तो इवन वॉइस में आपको दिखेगा कि आपकी आवाज में ही वॉल्यूम नहीं है तो क्या करना है समझो पेट को हिलाना ही नहीं है क्योंकि okay. तो हम भस्त्रिका कहते हैं और वो प्राणायाम है मतलब जो आप ये ये ही... ये कपाल भाती okay. तो ये तो इंसान को बहुत बार करनी जरा नाक में कुछ गंदी बास आई निकालो हाँ ये साइनस को क्लियर करो करो हाँ, आप छोड़ रहे हो लेने का भी है ये oh. ये यू विल फील कूल इन योर आईज यू विल फील लिटिल गिडी बिकॉज यू हैव नेवर ट्राइड टू ब्रिग एयर इन दिस एरिया थर्टी राउंड एक लॉन्ग ब्रेथ इन एंड दैट लीव दिस इज वन राउंड ऑफ कपाल भाती थर्टी राउंड ऑफ दिस धीरे धीरे करो फिर फास्ट कर सकते हो फोर्सिबली करो जैसे ये धीरे हुआ फोर्सिबली हुआ कहा की मसल्स यूज हो रही है ये मसल्स नो मूवमेंट ऑन योर बॉडी इट के करो तो आपको बहुत अच्छा रहेगा टेक लॉन्ग ब्रेथ इन एंड आउट दिस इज एक्चुअल कपाल भाती wow. और इससे ये सारे एरिया हमेशा क्लियर रहेंगे आपने घर में झाड़ू मारा थोड़ा सा चार पांच राउंड कपालभाती कर लिया कोई घर में आया छींका खांसा चला गया थोड़ा कपालभाती कर लिया इट हैज़ टू बी यूज प्रैक्टिकली आप ट्रैफिक कार रुक गई है ट्रैफिक जैम में और सब एग्जॉस्ट खुल गए हैं अगर कांच नहीं बंद किया एसी नहीं है तो आप काफ़ी इनहेल करोगे बैड तो जरा बंद करके कपालभाती मतलब ये इस तरह इसका यूज़ करना चाहिए लाइफ में और पोल्यूशन तो बहुत हाई है ही तो दिन में तीन चार बात मगर क्या हम कहते हैं वेन सन इज राइजिंग सन रेज और योर फेस इज अ मस्ट फॉर फेस एंड देन मसाज योर फोर सो योर फिंगर्स एंड योर थम मूव इट लाइक दिस मसाज डू इट प्रेस एंड रिलीज प्रेस एंड रिलीज सो हियर यू आर इंक्रीजिंग योर सर्क्यूलेशन हुआ

स योर साइनस इज आर डिस्टर्ब हाँ जी ओके okay. ये एक किया आँख के नीचे यू कैन टैप योर फिंगर अराउंड योर आईस ये मैं कर रही हूं बैंग बैंग ओके कभी डार्क सर्कल्स नहीं होंगे फाइन ये यहां प्रेस दिस रीजन ये एंड लीव ये हाँ, ये भी बोन बोन ये, पे ये पे okay. प्रेस जी. लीव प्रेस लीव दिस एंड मूव योर हैंड लाइक दिस दैट्स इट वाह दिस इज कॉल्ड एज कपाल रंध्र धोती रंध्र मीन्स क्लीन गैप्स रंध्र सब मूवमेंट साथ में अगर किए कपाल भाती कर लो जी. फिर ये कर लो अलग अलग भी कर सकते हो और हाथ यहाँ कान के आजू बाजू फ्रंट बिहाइंड बिहाइंड ये जो एरिया है ना दिस इजिक साइनस इट इज बैलेंसिंग एरिया तो यहाँ ये मसाज करना इस भाग को हमेशा वार्म रखना जरूरी है मसाज कान के पीछे पीछे और आगे दोनों oh, आगे okay. पीछे आगे, ये और जब स्नान करते हो स्नान खत्म हो गया हाथ थोड़े गीले हैं तो उंगली कान में डाल के रोटेट योर हैंड राउंड एंड राउंड, राउंड, राउंड वॉश योर फिंगर एंड देन कम आउट अगर स्टिकी हो रोज ये करना जरूरी है दिस Okay. Because automatically you see your face has become little Glowy. Glowy. <laughs> yes. he says, Take the mirror and see automatically because you are improving cleaning the place and improving the circulation by mm. this. Mm. In yoga there is one more technique which is called as Jala Neti. All that is important for face. In case if you find um, you are going too much in bad air and all that क्लीन योर साइनसिस क्लीन योर दिस बोथ दॉल सो टेक लिटिल वॉर्म वाटर हाँ हाँ एक पानी पानी लो तो थो, थोड़ा गुनगुना हो उसके अंदर आधा चम्मच नमक डाल दो तो नमक का पानी हो जाएगा है ना हमारे आँसू का जो टेस्ट होता है ना सॉल्टेड वो लगभग टेस्ट हो जाएगा उतना पी एच वैल्यू और फिर इसको आप नाक उसमें डुबा दो दूसरी नाक बंद करके <laughs> सांस ले लो तो नाक के अंदर वो पानी चला जाएगा या लंग्स में नहीं जाएगा नहीं जाएगा ना लंग्स तक तो इतना सा पानी है आ, ओके ये ना और मुंह खोल दोगे तो मुंह में से निकल आएगा इसको दोनों करके देखना दोनों अलग अलग ओके। इसको कहते हैं जल नेती ये इतनी सुंदर सिंपल सी टेक्निक है बाथरूम में गए थोड़ा सा गर्म पानी नमक डाला और जलनती कर ली दोनों बाजू तो ये और इंटरनल नॉस्ट्रिल नॉस्ट्रिल के अंदर का जो म्यूकस है वो निकल कर और फ्रेश म्यूकस वहाँ आ जाएगा और जो इन्फेक्शन यहाँ लगे हुए हैं वो सब निकल जाएंगे करके ये एक बहुत ही सिंपल सी टेक्निक करोगे तो अनुभव करोगे इसका तो ये बहुत जरूरी है संभालना और ये करना मैम तो वो पेट वाला क्या होता है जो मैं हाँ तो अब उस पे आते हैं अब ये सब तो आप कभी भी कर सकते हो जी खाली ये जलने ती जो है रात को नहीं करो क्योंकि अगर थोड़ा पानी रहेगा तो फिर सर्दी हो जाएगी लेकिन जलने ती दिन में करनी चाहिए जलने ती के बाद थोड़ी एक्टिव रहो तो अगर कभी कुछ पानी अटका हो तो निकल जाएगा वैसे इतने से भी कुछ खास अटकता नहीं अलग अलग तरीके लोग पॉट वापरते गुड़ गुड़ पानी यहाँ से निकालो वो करो वो सब हट योग में सब है मगर योग इंस्टीट्यूट में जहाँ मैं चला रही हूँ हम लोग बहुत ओल्डेस्ट ट्रेडिशनल चीजें पढ़ते हैं जिसमें कोई चीज़ की जरूरत नहीं है आपको अपना खुद का बॉडी सक्षम आपका हाथ इतना काफी है तो ये हुआ कपाल भाती और यो अब भस्त्री का जिसको भस्त्रिका कहते हैं वो पेट के साथ में ही यही करना है जो करना है तो अब आप हाँ अब आप सांस छोटो पेट अंदर जाता है जी पेट।, पेट से ब्रीदिंग हो पेट से देखिए यहाँ डायफ्राम है जी और जब आप सांस लेते हो लंग्स फूलते हैं डायफ्राम नीचे की ओर जाता है और पेट बाहर आता है और जब आप पेट अंदर लेते हो डायफ्राम ऊपर जाता है लंग्स में से सांस बाहर निकलती है अब ये लंग का एरिया है और ब्रीदिंग का एरिया है नॉट फेस तो आप यहाँ सांस अंदर लेना भूलो मत एक हाथ पेट पे रखो तो आपको और महसूस होगा अब ये जो है ये इट्स लाइक अ वर्कआउट अगेन और ये आपने तीस राउंड किए इसके काफी अच्छा महसूस होगा फैट भी कम होने में मदद मिलेगी ओवरऑल शरीर की फैट और दिस इज अ वेरी गुड बट थर्टी राउंड्स जो सौ सौ डेढ़ डेढ़ सौ करना है वो फिर वो कमर पे प्रेशर आता है लोगों की कमर दर्द होने लगती है इसलिए सीधा बैठो और पेट का ये करो मगर ये कब कर सकते हो ओनली इन द मॉर्निंग खाली पेट एम्प्टी स्टमक एंड दैट टू ओनली इन द मॉर्निंग तब पेट एकदम एम्प्टी होता है तब ये करो और पेट के लिए एक और चीज है जो आप कर सकते हो खाली यूं ही कुछ भी मत करो सांस सिर्फ पेट अंदर बाहर अंदर बाहर करो करो सांस के साथ सांस छोड़ दो सिर्फ पेट का मूवमेंट हाथ को पेट पे रखो हाँ सिर्फ लाओ पेट को अंदर भार ये जो चीज है ये दिन में दो तीन बार चेक करनी चाहिए मेरा पेट टाइट है क्या hmm. बहुत भर गया गैसेस भर गए जरा पेट यू कर लिया गैस हट जाएंगे ये प्रैक्टिकली एसिडिटी बढ़ गई जरा पेट यू यू कर लिया एसिडिटी तो दिस इज हाउ यू टू हैंडल योर लगा तो डेफिनेटली हमारी प्लेलिस्ट देख लीजिए ऐसे ही वीडियो आपको वहां भी मिलेंगे और डेफिनेटली टीआरएस क्लिप्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए